नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम जब किसी कर्मचारी का ट्रांसफर होने के बाद उसको रिसीव कर लेते हैं एचआरएमएस पर, या उसकी सैलरी आपके ऑफिस से या आधी सैलरी किसी और ऑफिस से जनरेट की जाती है, तो उसके डिडक्शन को अपडेट करना होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम एचआरएमएस पर सैलरी जनरेट करते हैं या दूसरे ऑफिस से सैलरी जनरेट की गई है, जब हम उसका ई बिलिंग पे बिल जनरेट करते हैं, तो डिडक्शन अपडेट करने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ डिडक्शन दूसरे ऑफिस में किए जा चुके होते हैं, जैसे कि जीआईएस, इनकम टैक्स, जीपीएफ, एनपीएस। तो जो डिडक्शन हो चुके हैं या जो हमें करने हैं, उनको अपडेट करने के बाद उनको अपडेट हम ई सैलरी के यहाँ पे एड एडिट सैलरी डिटेल में जाकर के एम्प्लॉय का नाम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद एडिट डिटेल में जाकर के इस पेज पे हम एडिट करते हैं। लेकिन यहाँ पे अपडेट करने के बाद यहाँ पे नीचे अपडेट डिडक्शन कर देते हैं, और जब हम बिल जनरेट करते हैं तो डिडक्शन शो नहीं होते हमें। ये दिक्कत बहुत से कर्मचारियों के साथ हो रही है कि डिडक्शन शो नहीं होते। तो इस बार एचआरएमएस पे एक नया ऑप्शन दिया गया था कि ऑल डिडक्शन आपने कर लिए हैं, लोन के डिडक्शन किए हैं, यस और नो का ऑप्शन एचआरएमएस पर इस बार आ रहा था। तो कईयों ने यस किया है। यस करने का मतलब है कि अब आप डिडक्शन दूसरे ऑफिस में नहीं कर सकते, ऑलरेडी किए जा चुके हैं। जिन्होंने नो किया था उनका डिडक्शन ऑटोमेटिक शो करेगा, जिन्होंने यस कर दिया था उनका डिडक्शन शो नहीं हो रहा दूसरे ऑफिस में। तो उसको किस तरह से ठीक करना है, तो एडिट डिडक्शन पे जाकर के अगर आपका शो कर जाता है तो ठीक है, अगर नहीं करता है तो आप एडिट सैलरी डिटेल पे जाएंगे, यहां पे क्लिक करेंगे, यहां पे नीचे देखना, यहां पे ये जो दो ऑप्शन है सैलरी वाले पेज में स्टॉप ऑल डिडक्शन फ्रॉम ई सैलरी, इसको यहां से चेकबॉक्स को हटा देंगे, इन दोनों को हटा देंगे, स्टॉप लोन डिडक्शन, इन दोनों को हटाएंगे। जब हम हटाने के बाद यहां पे ये कैप्चा डाल करके अपडेट करेंगे, उसके बाद बिल को दोबारा से जनरेट करें, आपके जो भी डिडक्शन आपने करने हैं वो हो जाएंगे। अगर आपने डिडक्शन को रोकना है तब इन इन चेकबुक्स पे क्लिक करके इसको अपडेट कर दें, आपके सारे डिडक्शन रुक जाएंगे। लोन की किस्त जो कट रही है, अगर पहले ऑफिस में कट चुकी है, गलती से यहां भी कट रही है, तो इसको क्लिक करके आप डिडक्शन को रोक भी सकते हैं, और इनको हटा करके आप डिडक्शन को शो भी कर सकते हैं, आपकी डिडक्शन दोबारा बिल जनरेट करने पे वापस शो हो जाएंगे। तो इस तरह से आप जो अपने कर्मचारियों की डिडक्शन है, अगर किसी कर्मचारी के बिल में शो नहीं होते तो यहां से कर सकते हैं। धन्यवाद।